हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक्टिव फिल्टर देखने जा रहे हैं और यहाँ से गेट में क्वेश्चन पूछ चुका है। दो बार गेट में क्वेश्चन पूछा, एक बार 2008 में आया है और एक बार 2012 में आया है। और जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एक्टिव फिल्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आता है, वो जनरली पहचानना होता है कि वो फिल्टर किस टाइप का है। हाई पास फिल्टर है, लो पास है, ऑल पास है, बैंड रिजेक्ट है या फिर बैंड पास फिल्टर। टोटल 5 टाइप के फिल्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसको पहचानते कैसे हैं, इजी मेथड से उसको पहचानने का तरीका सीखेंगे। और गेट में जो क्वेश्चन दो बार पूछा है उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करने देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। यहाँ पर एक गेट 2012 में पूछा है और इसमें हमको पहचानना है कि ये जो फिल्टर है वो किस टाइप का फिल्टर है, और सेकेंडली इसका 3 डेसिबल फ्रीक्वेंसी भी निकालना है। तो हम लोग इसी वीडियो में सीख लेंगे कि 3 डेसिबल फ्रीक्वेंसी किस टाइप से निकालते हैं। तो यहाँ पर भी इनपुट सप्लाई किया गया है, कैपेसिटर दिख रहा है, R1, R2 है और V0 है। यहाँ पर हम लोग को 4 ऑप्शन मिला था, मतलब सबसे पहले ये पहचानना था कि ये हाई पास फिल्टर है या फिर लो पास फिल्टर है। और जब फिल्टर पहचान में आ जाए तो उसके बाद पता करना था कि इसका 3 डेसिबल फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो सबसे इजी मेथड है पहचानने का, जो कि 90% क्वेश्चंस में काम आ जाता है, ठीक है, ये जो मेथड है हाई पास और लो पास फिल्टर पहचानने का, 90% क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाता है। और गेट का तो 2 क्वेश्चन जो पूछा है वो दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 0 रखते हैं। ओमेगा 0 मतलब कि ये जो हमारा कैपेसिटर होगा, कहने का मतलब हमारा जो इनपुट होगा वो डीसी होगा, फ्रीक्वेंसी उसका 0 होगा, डीसी होगा। तो डीसी में कैपेसिटर क्या होता है, ओपन। तो यहाँ पर कैपेसिटर ओपन होगा और यहाँ पर अगर कुछ आउटपुट मिलता है, ओमेगा 0 रखने पर अगर हम लोगों को कुछ आउटपुट मिलता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये लो पास फिल्टर है। उसके बाद ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे और इस केस में जो सप्लाई करेंगे वो एसी होगा और हमारा जो कैपेसिटर होगा वो शॉर्ट सर्किट होगा, कैपेसिटर शॉर्ट होगा। और अगर ओमेगा बराबर इन्फिनिटी पर हमको कुछ आउटपुट वोल्टेज मिलता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा हाई पास फिल्टर है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर होता है, देखिए हाई पास और लो पास ये पहचानना बहुत ईजी है, इन दो मेथड का यूज करके हम लोग हाई पास और लो पास फिल्टर पहचान लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम होगा अगर कोई फिल्टर लो पास भी निकल गया, हाई पास भी निकल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऑल पास बोलेंगे। यहाँ पर टोटल 5 टाइप का फिल्टर होता है। तो एक तो हमारा हो गया हाई पास फिल्टर जो सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी को पास करने देता है, दूसरा हो गया लो पास फिल्टर जो सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी को पास करने देता है, ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा हमारा लो पास फिल्टर, ये हो जाएगा हाई पास फिल्टर, ये हाई फ्रिक्वेंसी को सिर्फ बाहर आने देगा, ये लो फ्रिक्वेंसी को सिर्फ पास होने देगा। इसके अलावा 3 और है, एक है ऑल पास फिल्टर, ठीक है, ऑल पास फिल्टर, उसके अलावा हो जाएगा बैंड रिजेक्ट फिल्टर। बैंड रिजेक्ट फिल्टर क्या करेगा, लो और हाई दोनों को रिजेक्ट करेगा, सिर्फ मिडिल वाला फ्रीक्वेंसी को पास होने देगा, ये हो जाएगा बैंड पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर। और एक तो होता है बैंड रिजेक्ट फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर क्या करेगा, ये सिर्फ मिडिल वाला फ्रीक्वेंसी को रोकेगा, हाई को पास करने देगा, लो को पास करने देगा, हाई को पास करने देगा, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी यहाँ से पास कर जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी भी पास कर जाएगा, बीच वाला को रोकेगा, इसको हम लोग बोलेंगे बैंड रिजेक्ट फिल्टर, ठीक है। तो ये जो मिडिल वाला जो वैल्यू है ये निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, ये विदाउट सॉल्व किए हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है। यहाँ पर मिडिल वाला कोई पास होने दे रहा है कि नहीं होने दे रहा है ये बोल पाना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर अगर इसमें से अगर इन्फिनिटी पर पास होने दे रहा है तो हम लोग बोल देंगे हाई पास फिल्टर, 0 पर पास होने दे रहा है तो बोलेंगे लो पास फिल्टर। लेकिन अगर आउटपुट हम लोग को इन दोनों के केस में मिलता है, मतलब कि 0 फ्रीक्वेंसी रखने पर भी और इन्फिनिटी फ्रीक्वेंसी रखने पर भी आउटपुट हम लोग को मिल रहा है, उसका मतलब वो या तो बैंड रिजेक्ट फिल्टर हो सकता है या फिर ऑल पास फिल्टर हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन इसका पूरी तरह से ड्राइव करना पड़ जाता है, हम लोग अंदाज से सिर्फ इस टेक्निक का यूज करके नहीं बता सकते कि ये हमारा बैंड रिजेक्ट है या फिर ऑल पास फिल्टर है। इसी तरह से अगर यहाँ पर 0 और इन्फिनिटी दोनों फ्रिक्वेंसी पर आउटपुट वोल्टेज हमारा 0 मिलता है, तो 0 मिलता है तो फिर एक केस हो सकता है, ठीक है, एक केस हो सकता है और यहाँ पर हम लोग जो आंसर है उसको मार्क कर सकते हैं, ये बैंड पास फिल्टर होगा। तो हमारा प्रॉब्लम सिर्फ एक केस में होता है जब दोनों आउटपुट वोल्टेज दोनों में हमको कुछ ना कुछ मिल रहा है, 0 इन्फिनिटी दोनों पर अगर कुछ आउटपुट हम लोग को मिल रहा है तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमारा बैंड रिजेक्ट फिल्टर होगा या फिर ऑल पास फिल्टर होगा। तो सिर्फ एक ऐसा केस है जहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व करना पड़ जाता है।
ठीक है। तो इस अगर इस टाइप का क्वेश्चन गेट में हालांकि अभी तक पूछा नहीं है, अगर पूछता है तो हम लोग सीखेंगे, एक ऑल पास फिल्टर का भी एग्जांपल करा देंगे, जहां से आपको पता चल सके कि हम लोग कैसे ड्राइव करते हैं इक्वेशन को और कैसे पता करते हैं कि हमारा जो फिल्टर होगा वो ऑल पास फिल्टर होगा। तो फिलहाल इस गेट 2012 का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं और इसमें पता करने की कोशिश करते हैं एक किस टाइप का फिल्टर है, उसके बाद 3 डेसिबल बैंडविड्थ निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अगर ओमेगा हम लोग 0 रखते हैं तो क्या फिल्टर को क्या करना होगा, ओपन करना होगा। अब इसको अगर हम ओपन कर देंगे तो यहाँ पर सप्लाई 0 और यहाँ पर पोटेंशियल 0, मतलब कि क्या मिल रहा है, आउटपुट 0 मिल रहा है। ठीक है, ओपन करने पर आउटपुट 0 मिल रहा है, मतलब कि ये लो पास फिल्टर नहीं है। ठीक है, अगर कैपेसिटर को हम लोग ओपन कर रहे हैं तो आउटपुट क्या मिल रहा है, 0, मतलब कि ये लो फ्रिक्वेंसी को पास नहीं होने दे रहा है। तो क्लियर हो गया, लो पास फ्रिक्वेंसी तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अब ओमेगा इन्फिनिटी करेंगे तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो यहाँ पर 0 है, इसलिए ये पोटेंशियल तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर करंट मान लेते हैं I1 फ्लो करेगा, यहाँ पर करंट I2 फ्लो करेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू I2, क्योंकि जो करंट इस रेजिस्टेंस होकर के जाएगा वही करंट ऊपर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वहाँ से होकर के भी जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या आता है, ये आ जाएगा भी इनपुट माइनस 0/R1 इज इक्वल टू भी, सॉरी 0, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, इधर का वी नोट है, 0-V0/R2। और यहाँ से अगर हम लोग भी आउटपुट निकालें तो ये तो खत्म हो जाएगा और यहाँ पर माइनस साइन को हम लोग इस तरफ ले लेते हैं और R2 को यहाँ से हटा करके इस तरफ लेकर के चले जाते हैं। ठीक है, तो भी आउटपुट कितना आ गया, -R2/R1 × V इनपुट, ये हमारा आउटपुट आ गया। मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी हम लोग हाई रख रहे हैं तो हम लोगों को कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा है। तो ये हमारा कौन सा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, हाई पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, हाई पास फिल्टर हो जाएगा। तो हाई पास फिल्टर पहला क्वेश्चन का जवाब मिल गया। अब 3 डेसिबल बैंडविड्थ कैसे निकालेंगे ये थोड़ा सीख लेते हैं। तो 3 डेसिबल बैंडविड्थ निकालने के लिए इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा। यहाँ पर जो कैपेसिटर है वापस से इसको लगा देंगे, यहाँ पर एक कैपेसिटर हो गया और इसका जो इम्पीडेंस होगा वो लिख सकते हैं 1/SC। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा जो है दोनों सीरीज में हो जाएगा। तो सीरीज वाला को हम लोग नाम दे देते हैं RF। तो RF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1+1/SC, इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1+R1SC/SC, ये RF का वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग भी आउटपुट निकाल लेंगे। भी आउटपुट बराबर हमने यहाँ पर देखा इधर का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इधर का रेजिस्टेंस और एक माइनस साइन, एक माइनस साइन पहले दे देंगे और R2 की जगह पर R2 ही रखेंगे और RF के जगह पर जो हमारा R1 है R1 की जगह RF आ जाएगा और RF का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1+R1SC, ठीक है, और डिवाइडेड बाई SC इंटू भी इनपुट। और भी इनपुट को अगर हम लोग इस तरफ रख लेते हैं तो ये हमारा गेन आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अगर हम लोग ओमेगा के फॉर्म में लिखें या फिर एस सी से ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा R2/1/S। एस के जगह पर हम लोग जे ओमेगा रख सकते हैं तो 1/jωC प्लस एस सी से इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये बन गया हमारा R1। ठीक है, अब इसके बाद इसका हम लोग चाहें तो मैग्नीट्यूड एस का वैल्यू जे ओमेगा, ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा। अब हम लोग चाहें तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड आ जाएगा R2 डिवाइडेड बाई √R1 स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा 1/ω² C² ये हमारा गेन का टोटल रिजल्टेंट आएगा। जब हम लोग गेन निकाल लिए तो हमारा 3 डेसिबल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 3 डेसिबल फ्रीक्वेंसी होता है वो फ्रीक्वेंसी का वो वैल्यू जिसके लिए हमारा जो गेन है वो आउटपुट का मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स आए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते कोई इस टाइप का गेन का रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, गेन का रिस्पॉन्स कुछ ऐसा आ रहा है, या इसको चाहे तो हम लोग थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, इस टाइप से गेन का रिस्पॉन्स आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू के लिए ये क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है और यहाँ पर 1/√2 मैक्सिमम का 1/√2 टाइम जब हम लोग कर लेते हैं तो उस 1/√2 करने पर जो वैल्यू आता है उसको हम लोग बोलते हैं 3 डेसिबल गेन। ये हमारा 3 डेसिबल गेन हो गया और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी हम लोग को मिलेगा कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी वो 3 डेसिबल गेन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा।
तो सबसे पहले हमारा काम है इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू के लिए नीचे वाला वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होना चाहिए। और नीचे वाला मिनिमम तब होगा जब ए ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम होगा, और जब ओमेगा मैक्सिमम मतलब ओमेगा अगर हम लोग इन्फिनिटी कर दें तो वन बाई इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, और वन बाई इन्फिनिटी जीरो होगा तो हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा वो आर टू बटा आर वन मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू का रूट टू टाइम्स लेना है और दोनों को इक्वेट कर देना है। इससे जो ओमेगा का वैल्यू मिलेगा, ठीक है, इससे जो ओमेगा का वैल्यू मिलेगा वो हमारा 3 डेसिबल ओमेगा होगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं R2 कैंसिल हो रहा है, R1 स्क्वायर करके इसको भी अंडर रूट के अंदर ले लेते हैं, R1 स्क्वायर कर दिए और अंडर रूट के अंदर ले लिए, तो अब ये रूट रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तब बच जाएगा R1 स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई तो हट गया 2R1 स्क्वायर। तो यहाँ से 2R1 में से 1R1 जाएगा तो वो बच जाएगा सिर्फ R1 स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग चाहें तो ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर लिख सकते हैं 1 बटा R1 स्क्वायर, और ओमेगा बराबर हो जाएगा ए सी क्या नीचे चला जाएगा 1 बाई सी R1, और फ्रीक्वेंसी 3 डेसिबल ये कितना आ जाएगा 1 बाई 2 पाई CR1। तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया, पहले तो हम लोग को मिल गया कि ए हाई पास फिल्टर है, और दूसरा हम लोग को ए मिल गया कि इसका 3 डेसिबल बैंडविड्थ कितना होगा 1/2 πCR1 होगा। तो ये था गेट 2012 का क्वेश्चन। अगर ऊपर यहाँ पर शॉर्ट और ओपन करने में प्रॉब्लम हो तो हम लोग ड्राइव करने के बाद इधर भी निकाल सकते हैं, इस वैल्यू पर भी जांच कर सकते हैं कि ये हमारा हाई पास है या लो पास है। उसके लिए करना क्या होगा, यहाँ पर ओमेगा का के जगह पर एक बार जीरो रखना होगा, जब ओमेगा जीरो रखेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी है, R2/∞ क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि लो पास फिल्टर नहीं है। दूसरा ओमेगा इन्फिनिटी रखेंगे तो वैल्यू R2/R1 आएगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा है, हम लोग बोल देंगे कि हमारा जो सर्किट है वो हाई पास फिल्टर है। अब उसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं ऑल पास फिल्टर का, जो हाई पास फिल्टर भी होगा लो पास भी फिल्टर होगा। तो ये तो हम लोग आसानी से स्टार्टिंग में ही वेरीफाई कर लेंगे कि हाई पास है या लो पास है, लेकिन ऑल पास है कि नहीं है ये कैसे वेरीफाई करेंगे, तो उसके लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद फिर से गेट का एक क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है और इसमें हम लोग को पहचानना है ये हाई पास फिल्टर है या फिर लो पास फिल्टर है या फिर ऑल पास है, बैंड रिजेक्ट है या फिर बैंड पास फिल्टर है। तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, जब ओमेगा जीरो रखेंगे तो यहाँ पर ये जो हमारा होगा ओपन सर्किट होगा ओपन, और अगर भी आउटपुट का वैल्यू कुछ देगा तो हम लोग बोलेंगे कि लो पास फिल्टर है, नहीं देगा बोलेंगे लो पास फिल्टर नहीं है। फिर ओमेगा इन्फिनिटी लेंगे, यहाँ पर इसको क्या कर देंगे शॉर्ट शॉर्ट करेंगे, और अगर यहाँ पर आउटपुट का वैल्यू कुछ मिलता है तो बोलेंगे हाई पास फिल्टर है, अदरवाइज बोलेंगे ये हाई पास फिल्टर नहीं है। तो पहला केस ओमेगा जीरो, ओमेगा जीरो जब करेंगे तो ए वाला क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा, जब इसको हम लोग ओपन कर लेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल है भी इनपुट, इधर से अब कोई करंट फ्लो करेगा नहीं, तो यहाँ का भी जो पोटेंशियल है वो भी इनपुट ही हो जाएगा, इसीलिए कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब जब ए भी इनपुट हो गया तो ए भी हमारा भी इनपुट ही हो जाएगा। अब यहाँ से भी इनपुट दोनों जगह पोटेंशियल सेम है, जब दोनों जगह पोटेंशियल सेम है तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और जब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो हमारा ये जो रेजिस्टेंस है इससे भी होकर के कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि अगर यहाँ से करंट फ्लो करता तो ऑब्वियसली इस रेजिस्टेंस से होकर के पास करता, पर इसमें कोई करंट नहीं है मतलब इसमें भी कोई करंट नहीं है, तब हमारा भी आउटपुट क्या हो जाएगा भी इनपुट के बराबर, कोई करंट नहीं मतलब कि ये दोनों पोटेंशियल सेम है, तो भी आउटपुट इज इक्वल टू हम लोग को मिल जाएगा भी इनपुट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए हमारा ओपन किए थे लो पास फिल्टर है, ठीक है, लो पास फिल्टर तो कन्फर्म हो गया। अब इसी तरह से हम लोग हाई पास फिल्टर के लिए जांच कर लेंगे, हाई पास फिल्टर है या नहीं है, तो हाई पास फिल्टर के लिए इसको क्या करना होगा, इसको हम लोग को करना होगा शॉर्ट, जब इसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे तो यहाँ का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल इस पॉइंट पर चला आएगा, मतलब यहाँ का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, और जब यहाँ जीरो है तो निगेटिव टर्मिनल भी जीरो पोटेंशियल पर होगा। अब यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पर मान लेते हैं करंट I1 होगा, यहाँ से करंट यहाँ पर भी I1 होगा, क्योंकि सेम करंट एक ही पाथ में सेम ही करंट फ्लो करेगा, जो करंट इस ब्रांच में होगा वही करंट आउटपुट में जाएगा। तो यहाँ से हम लोग चाहे तो I1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, I1 इज इक्वल टू हो जाएगा V in by R, ठीक है।
अब इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, तो यहाँ का पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जीरो में से I1 इंटू आर माइनस कर देंगे, तो हमारा मिल जाएगा V आउटपुट। तो जीरो माइनस I1 इंटू आर, I1 का वैल्यू V इन बटा आर इंटू आर इज इक्वल टू V आउटपुट। R कैंसिल हो गया और यहाँ पर V आउटपुट का वैल्यू मिल रहा है माइनस ऑफ V इन के बराबर। कहने का मतलब कि यहाँ पर दोनों केस में हम लोग को आउटपुट मिल रहा है। जब हम लोग ओमेगा जीरो किए तो भी कुछ ना कुछ आउटपुट मिला, ओमेगा इन्फिनिटी किए तो भी हमारा कुछ ना कुछ आउटपुट मिला। तो हम बोल सकते हैं कि ये लो पास फिल्टर भी है, हाई पास फिल्टर भी है। जब ये हमारा लो पास और हाई पास फिल्टर दोनों है, तो अब बोल पाना मुश्किल होगा कि ये फिर बैंड पास होगा, ऑल पास फिल्टर होगा, या फिर बैंड रिजेक्ट फिल्टर होगा। ठीक है, ए पास होने दे रहा है, ए पास होने दे रहा है। अब मिडिल के फ्रीक्वेंसी पर हम लोग को टेस्ट करना होगा कि ए पास होने देगा कि नहीं होने देगा। उसके लिए हमको इसका जो इक्वेशन होगा वो सारा कुछ लाना पड़ेगा, ड्राइव करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हम लोग कैपेसिटर यहाँ पर लगा देते हैं और इसका इम्पीडेंस 1/SC ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ का इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ का पोटेंशियल भी इनपुट पता है, तो यहाँ का पोटेंशियल हम लोग निकाल सकते हैं। इसका नाम दे देते हैं VX। VX का वैल्यू कितना हो जाएगा, VX इज इक्वल टू हो जाएगा 1/SC बटा R प्लस, ये हमारा रेजिस्टेंस जो है वो R है, तो R प्लस 1/SC इंटू V इनपुट। ये इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, वोल्टेज डिवीजन रूल हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1 प्लस RSC देगा इंटू V इनपुट। तो ये हम लोग का VX का वैल्यू निकल गया। जब ये VX है तो ए पॉइंट भी VX होगा और ए पॉइंट भी VX होगा। अब यहाँ पर चूंकि I1 और इसको अगर हम लोग I2 मान लें, तो I1 बराबर I2 होगा, तो हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू I2, और I1 का वैल्यू हो जाएगा V in माइनस VX डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू यहाँ से VX माइनस V आउट डिवाइडेड बाई R। यहाँ से R और R हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा V इनपुट माइनस VX माइनस 2VX इज इक्वल टू माइनस V आउट, या फिर यहाँ से लिख सकते हैं V आउट इज इक्वल टू 2VX माइनस V इन। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 2 इंटू VX का वैल्यू कितना आया है, 2/1 प्लस RSC यहाँ पर इंटू V इनपुट, तो V इनपुट से मल्टीप्लाई किए माइनस V इनपुट कितना आ गया। इसको और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इसको सॉल्व करने के बाद ये हम लोग को कितना देगा, ये इक्वल टू हो जाएगा V इनपुट, चाहे तो हम लोग कॉमन रख सकते हैं, ये हो जाएगा 2-1-RSC डिवाइडेड बाई 1+RSC। और यहाँ से हम लोग गेन निकाल सकते हैं V आउटपुट बटा, क्योंकि ये V आउटपुट का वैल्यू आया है, इतना इनपुट को भी इसी तरफ लेकर के चले हैं, तो ये हमको गेन देगा, और ये देगा 1-RSC बटा 1+RSC। अब इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालें, तो मैग्नीट्यूड निकालने से यहाँ पर ये तो जे ओमेगा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, जे ओमेगा है, तो 1+ωs² R² C² का अंडर रूट बटा अंडर रूट 1+ωs² R² C² देगा, जो कि कैंसिल होकर कितना आ रहा है 1। कहने का मतलब ये जो हमारा सर्किट है, इसका जो आउटपुट है वो डायरेक्टली इनपुट के बराबर आ रहा है, मतलब कि एक फ्रीक्वेंसी पर बिल्कुल डिपेंडेंट है ही नहीं। और जब हमारा सर्किट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे और आउटपुट कुछ ना कुछ दे रहा है, आउटपुट जीरो भी नहीं है, ठीक है, आउटपुट जो आ रहा है भी इनपुट के बराबर आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ओमेगा की किसी भी वैल्यू के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। और जब ओमेगा की किसी भी वैल्यू के लिए आउटपुट मिलेगा, तो ये हमारा जो फिल्टर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑल पास फिल्टर। उसके बाद एक और गेट में जो क्वेश्चन पूछा है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं वो कैसे होगा। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, गेट 2008 में पूछा गया है, रेजिस्टेंस RA भी दिया हुआ है, ठीक है, इन दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है, इन दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है। हम लोग को पता करना है ये हाई पास फिल्टर है, लो पास फिल्टर है, बैंड रिजेक्ट है, या फिर बैंड पास है, या फिर ऑल पास फिल्टर है, पाँचों में से हम लोग को देखना है किस टाइप का फिल्टर है।
तो सबसे पहले जांच करेंगे ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। ओमेगा जीरो करेंगे तो हमारा जो कैपेसिटर होगा वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा जीरो करेंगे तो इसका इंपीडेंस इनफिनाइट हो जाएगा, ओपन। और अगर ओमेगा और जीरो पर आउटपुट मिलता है तो इसको क्या बोलेंगे, लो पास फिल्टर। फिर ओमेगा इन्फिनिटी रखेंगे, यहाँ पर शॉर्ट करना होगा, और अगर कुछ आउटपुट मिलता है तो हम लोग बोलेंगे हाई पास फिल्टर। अब इसको हम लोग जांच कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग जीरो पर जांच करते हैं, ओपन कर लेते हैं। जब ओपन कर लेंगे तो यहाँ का वोल्टेज जो है वी इन है, इसको आधा आधा बांट लेंगे, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल वी इन है। वोल्टेज डिवीजन रूल अगर हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ का पोटेंशियल वी इन बाई टू आ जाएगा, वी इन बाई टू। जब यहाँ का पोटेंशियल वी इन बाई टू है तो ए भी हो जाएगा वी इन बाई टू। ठीक है, अब देखते हैं आउटपुट हम लोग को कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। आउटपुट कितना हो जाएगा, वी इन बाई टू, वी आउटपुट बराबर लिख सकते हैं वी इन बाई टू माइनस यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा आई वन, जो कि इसी करंट के बराबर होगा, आई वन इंटू आर ए, ये हमारा वी आउटपुट होगा। तो वी इनपुट बाई टू माइनस आई वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई वन वी इन माइनस वी इन बाई टू, मतलब इन दोनों का जो बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी इन बाई टू है। तो वी इन बाई टू क्लियर है, आई वन आर इंटू आर। ठीक है, आई इज इक्वल टू इतना बटा आर ए, आर इंटू ए वाला आर ए, वोल्टेज बटा वी, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी इन बाई टू हो गया, डिवाइडेड बाई आर ए, क्योंकि आई हम लोग निकाल रहे हैं तो वी बटा आर करना पड़ेगा, और फिर इस आर ए से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ए आर ए आर ए कैंसिल हो रहा है, और वी इन बाई टू माइनस वी इन बाई टू ए कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, ए मिल गया हम लोग को जीरो। कहने का मतलब ए लो पास फिल्टर नहीं है, ए लो पास फिल्टर नहीं है। अब हाई पास फिल्टर के लिए जांच करेंगे, ओमेगा रखेंगे इन्फिनिटी, तो ए जो टर्मिनल है वो शॉर्ट हो जाएगा। जब ए टर्मिनल शॉर्ट होगा तो यहाँ का पोटेंशियल तो वी इन बाई टू ही रहेगा, ए पोटेंशियल हो जाएगा वी इन बाई टू, और जब यहाँ का पोटेंशियल वी इन बाई टू होगा तो आउटपुट भी कितना मिलेगा, वी इन बाई टू, मतलब कि ए हमारा हाई पास फिल्टर है। ठीक है, और इसको अगर दूसरे तरीके से जांच करना है, क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व करके थोड़ा सा इजी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाकर भी हम लोग देख सकते हैं। हालांकि ये तो यहाँ से ही पता चल गया कि हमारा हाई पास फिल्टर है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाएंगे, और अगर हम लोग को कोई फ्रीक्वेंसी दे देगी, इतना फ्रीक्वेंसी पर गेन निकालिए, या फिर थ्री डेसिबल फ्रीक्वेंसी जो होगा वो पता कीजिए, तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का पोटेंशियल तो भी इन बाई टू हो गया, मतलब यहाँ का भी पोटेंशियल भी इन बाई टू। यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो लगा देते हैं, और इसका जो रिएक्टेंस हो जाएगा वन बाई एस सी हो जाएगा, वन बाई एस सी इसका रिएक्टेंस हो गया। तो टोटल जो हमारा यहाँ पर इन दोनों को, दोनों पैरेलल में है, तो आर एफ यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, दोनों को पैरेलल में करेंगे तो हो जाएगा आर ए इंटू वन बाई एस सी बटा आर ए प्लस वन बाई एस सी, ये हम लोग को देगा आर ए बटा वन प्लस आर ए एस सी। ठीक है, और हम लोग को भी आउटपुट निकालना है, तो भी आउटपुट हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी आउटपुट लिख सकते हैं भी इन बाई टू यहाँ का पोटेंशियल माइनस आई इंटू आर एफ माइनस आई आर एफ। तो यहाँ से आ जाएगा भी इन बाई टू माइनस आई, आई मतलब जो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से का करंट कितना हो जाएगा, यहाँ का करंट हो जाएगा भी इन बाई टू इंटू आर ए साथ में आर एफ, आर एफ का वैल्यू निकाल चुके हैं आर ए बटा वन प्लस आर ए एस सी। अब यहाँ से हम लोग चाहें तो आर ए आर ए तो कैंसिल हो रहा है, भी इन कॉमन ले सकते हैं, भी इन कॉमन लेकर के बाहर निकाल लेंगे तो ए हमारा गेन हो जाएगा, और ए कितना आएगा, ए आ जाएगा वन बाई टू कॉमन ले लेते हैं, वन माइनस वन बटा आर ए एस सी प्लस वन। ठीक है, वन प्लस आर ए एस सी है, तो ए हमारा हो गया आउटपुट। इसको थोड़ा सा गेन हो गया, इसको सॉल्व कर लें तो ए हमको दे देगा वन प्लस आर ए एस सी माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस आर ए एस सी, और इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व कर लें तो वन वन कैंसिल होगा, ए बन जाएगा आर ए, ठीक है, एस सी से ऊपर नीचे डिवाइड भी कर लेते हैं तो आर ए बटा टू इंटू ए हो जाएगा वन बाई एस सी और प्लस आर ए,
ये हमारा फाइनल डेरिवेशन आ गया। यहाँ से अगर 3 डेसिबल गेन निकालना हो तो क्या करेंगे, 3 डेसिबल गेन निकालने के लिए इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। कर ही लेते हैं, इसका जो टोटल मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा आर ए बटा 2, और ए वैल्यू आ जाएगा आर ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगा इसका टोटल वैल्यू। अब यहाँ से हम लोग को पता करना है हाई पास है या लो पास है, तो वो पता करना बहुत ईजी है। अगर यहाँ पर ओमेगा 0 रखेंगे, एस का वैल्यू 0 रखेंगे, तो 1/0 इन्फिनिटी और आर ए बाई इन्फिनिटी 0, मतलब ये लो पास फिल्टर तो नहीं है। हाई पास के लिए ओमेगा इन्फिनिटी रखेंगे, ओमेगा इन्फिनिटी रखेंगे तो ए टर्म 0 आ जाएगा, ए टर्म 0 आएगा तो ए वैल्यू आ जाएगा आर ए बटा 2 आर ए, ठीक है 1/2। तो हम लोग बोलेंगे कि ये हाई पास फिल्टर है। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पता करने के लिए 3 डेसिबल फ्रीक्वेंसी अगर निकालना है, या फिर फ्रीक्वेंसी कोई भी वैल्यू पर इसका गेन हम लोग निकाल सकते हैं। और अगर 3 डेसिबल फ्रीक्वेंसी निकालना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला टर्म मिनिमम होना चाहिए, ए टर्म मिनिमम होने के लिए ए टर्म मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम ओमेगा कितना हो सकता है, इन्फिनिटी, और जब इन्फिनिटी करेंगे तो 1/∞ 0, आर ए आर ए कैंसिल हो जाएगा और ए आ जाएगा 1/2, ठीक है। इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, गेन मैक्सिमम ये आ जाएगा आर ए सॉरी आर ए आर ए भी कैंसिल हो जाएगा 1/2, ठीक है। आर ए आर ए कैंसिल होकर के सिर्फ 1/2 बचेगा, लेकिन हमको इसको कंपेयर करना है क्योंकि हमको निकालना है 3 डेसिबल फ्रिक्वेंसी। तो इसको हम लोग कंपेयर कर देंगे, या जो वैल्यू हमारा आ रहा है इसको कंपेयर करेंगे 1/2 रूट टू से, क्योंकि गेन में जब रूट टू से डिवाइड करते हैं तब हमारा निकलता है 3 डेसिबल फ्रीक्वेंसी। आर ए बटा 2 अंडर रूट आर ए स्क्वायर प्लस 1/ ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग कर लेंगे यहाँ पर 1/2√2, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लिख सकते हैं अंडर रूट आर ए स्क्वायर प्लस 1/ ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, आर ए रूट 2, दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा आर ए स्क्वायर प्लस 1/ ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए स्क्वायर और 2 आर ए स्क्वायर, और यहाँ से 1 आर ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच जाएगा सिर्फ 1 आर ए स्क्वायर, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/ आर ए स्क्वायर, या फिर ओमेगा बराबर आ जाएगा 1/ आर ए इंटू सी, और जब ओमेगा निकल गया तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे 1/2 पाई आर ए इंटू सी, ये हमारा 3 डेसिबल फ्रीक्वेंसी हो गया। तो एक कंप्लीट डिस्कशन है, इसके बाद इससे रिलेटेड अगर किसी टाइप का क्वेश्चन आता है तो अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर क्लोजर करते हैं, थैंक यू।